एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और अब बज रहे हैं 4 बज रहे हैं और इतनी लेट मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। मम्मी को देखो, आज मौसम बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी मौसम थोड़ी गर्मी सी बहुत है, फिर भी पर मौसम बहुत अच्छा है, बहुत सुहाना है। और आज ब्लॉग लेट मैं चालू किया क्योंकि इतना काम हो जाता है दिन में ना, तो और बेब साहब भी गए हुए हैं तो आज इसलिए लेट हो गया। और अभी मैं बना रही हूँ चाय, तो चाय मैं बना रही हूँ और मम्मी जाएंगी मंदिर। चलो पहले से फटाफट से चाय मम्मी को सर्व कर देते हैं, फटाफट से मम्मी के लिए कर देते हैं। अपने लिए भी चाय बना देती हूँ, अब मैंने चाय कम कर दी है, मैं सिर्फ मॉर्निंग में और शाम को पीती हूँ। तो वैसे तो मैं 4-5 बार पी लेती थी लेकिन आजकल मैंने कम कर दिया है, अब मैं पीती हूँ सिर्फ 3 बार करती हूँ। मैंने पहले मैं 5-6 बार हो जाता था मेरा, और अब सिर्फ 3 बार पीती हूँ मैं। एक अभी पी रही हूँ, सुबह पीती हूँ, और एक अभी भी अभी सब आएंगे तो उनके साथ पीऊँगी। तो चलो मम्मी को देते हैं चाय। कितनी बिजी है, मम्मी आप कुछ कहना चाहोगे? मम्मी 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 इतनी बिजी है कुछ नहीं पता लगा इन्होंने कितनी बार बोला है। चाय चाय पी लो फ्रेंड्स। चाय और बताओ मम्मी आप कुछ कहना चाहोगे? यूट्यूब चला रही हूँ, यात्रा की वीडियो देख रहे हैं लाडली बेटी के। कैसी लग रही है आपको? मैं पहले जा चुकी हूँ मुझे पता है। वीडियोस देख के कैसा लग रहा है इस बार? मेरे लिए कोई नई बात नहीं, इसलिए बच्चे अच्छा बड़े हो गए ना, लेकिन बच्चों को देख के वो अच्छा लग रहा होगा। कोई गया गया काट रहा है, कोई चूल्हा जला रहा है, कोई देखो एक्चुअल दीपक वहां से देख रहा है। एक्चुअल में हुआ क्या था, रामबान बेस कैंप में पता जब लगा था कि माता जी के 1.25 साल की फास्ट है, तो वहां पर आर्मी जो है, आर्मी के जो वहां के लोग हैं उन्होंने हमें हेल्प किया, और वहां पर जो उनके जो रूम बने होते हैं उन्होंने वहां पर हमें इजाजत दी कि आप यहाँ पर आके आराम से, जिनका फास्ट है उन्हें अच्छे से खाना बनावा लीजिए उनके लिए, ये खुद आके बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जितनी भी चीजें हमें चाहिए थी आर्मी ने स्पेशली हमारे लिए बाहर से मंगाई थी, मतलब हमें नारियल पानी या बहुत कुछ ऐसा था जो हमें बाहर से चाहिए था, और हम बाहर जा नहीं सकते थे क्योंकि वहां बहुत सेफ्टी के पर्पज से नहीं भेज रही थी आर्मी। तो आर्मी ने वहां पर हमारे लिए सब प्रोवाइड किया जो जो हमें चाहिए था, इवन आर्मी ने वो ही नहीं जो हमें भी चाहिए था, नॉर्मली भी लोगों को चाहिए था वो भी प्रोवाइड किए। ये तो छोड़ो ही, वहां पर लोग क्योंकि 4 दिन से फंसे हुए थे तो आर्मी ने वहां पर गेम्स और ये सब भी हमारे लिए प्रोवाइड करवाए कि वहां पर हम लोग बैठ के आराम से गेम खेल सके, हम इंजॉय कर सके। तो बहुत सारे यात्री चले भी गए थे वहां पर, लेकिन हम जैसे ढीठ वहीं थे, हमने बहुत इंजॉय किया वहां पर, उन लोगों ने हमारी बहुत बहुत वो करी। और 4th दिन हमें कानवा के साथ आर्मी के साथ निकाल दिया गया सेफ्टी से, और हम लोगों को पहलगांव तक पहुंचाया गया, मतलब हाँ पहलगांव तक पहुंचाया गया हमें बहुत सेफ्टी से, बहुत अच्छे तरीके से पहुंचाया गया कानवा के साथ। तो कुछ ऐसे रहे हमारे दिन आज। हमारे 16 में आ रही है दोबारा से बारिश, इतनी नहीं है पर हाँ ठीक है थोड़ी बहुत, जितनी भी है थोड़ी बहुत है तो बारिश आ रही है। और मुझे चाहिए भी था, मुझे ऐसा लग रहा था बहुत गर्मी हो रही है, लेकिन बारिश से प्रॉब्लम ये है कि ना और गर्मी, धरती की जो गर्मी है वो निकल के आएगी। तो हमारे 16 में तो बारिश हो रही है, तो आप लोग भी बताना अपनी किस किस जगह पे आप लोगों के यहाँ बारिश हो रही है, कमेंट में बताना मुझे। मैंने बना ली है दाल और बना ली है रोटी और चावल बना लिए हैं, और साथ में अभी मैं छुपने जा रही हूँ मिर्च। तो हमने तो अपने खाने की तैयारी कर ली है, और मौसम इतना अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया मस्त अच्छा हो रहा है, बारिश का मौसम है बिल्कुल। और आप देखो आगे बहुत सारा काम है, तो अभी और भी काम निपटा लेते हैं। तो अभी मैंने जो है मिर्च में ना कुछ ऐसे चाकू से वो कर लिया है, जिससे कि ना जब हम गैस पे उन्हें वो करें तो
तो ये ज्यादा फूटे ना, क्योंकि फूटती है तो हो सकता है फेस पे भी लग जाए, है ना। तो मैं ऐसे सिंपली मिर्च करके छौंकूंगी जिससे कि स्वाद आ जाए। तो ये मैं कुछ इस तरीके से छौंक रही हूँ और इनका जो टेस्ट है वो मस्त जाता है, मतलब बहुत अच्छा आता है, मजा आ जाता है खाके। और वीआईपीज आपको पसंद भी बहुत है ये, तो उनके लिए खास मैं स्पेशली छौंकती हूँ क्योंकि उन्हें बहुत पसंद है। तो अभी मैंने मिर्च छौंक लिया है, दाल बना दिया है, चावल बना दिया है, आलू की सब्जी मैंने कल बनाई थी तो आलू की सब्जी भी रखी है। तो मैंने तो खाना बना लिया है, आप लोगों ने क्या क्या बनाया शेयर करना। ऐसा होता है कि कितना भी वो कर लो लेकिन ना मिर्च जो है वो मतलब वो करती है, फूटती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना जब भी आप करो। तो रात को तो मैं ब्लॉग को एंड नहीं कर पाई, पर अभी मैं कर रही हूँ। रात को मम्मी मंदिर रुके थे और ये भी सब लेट आए थे बारिश की वजह से, अभी भी बारिश हो रही है। तो ब्लॉग को कर रही हूँ मैं एंड, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, लाइक कर देना, वीडियोस कमेंट कर देना और बताना कैसे लग रही है।